ईश्वर जी का आशीर्वाद देता हूँ। मैं आग्रह करूंगा कि आज के लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय किसान। चिंताधारा छोड़िए दीदी चिंताधारा भूलि ना भूल जय जवान जय भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। मैं विकास जी से आग्रह करूंगा, कृपया स्वागत करने के लिए मैं सुरेंद्र दा का मैं हर चीज से आग्रह करूंगा कि सावर जी का उनका स्वागत चौहान का स्वागत करने मैं किया अपने संस्था के अशोक जयसवाल जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए और आज के आमार अंतर थेके आज के नवरात्रिर प्रथम दिन सबाइके भारतीय संस्कृति एवं सनातन संस्कृति आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जानाई। आज का जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री जी मिशन फाउंडेशन उनकी जो ऑर्गेनाइजर है सेक्रेटरी ऑनरेबल कमल शंकर जी और उनको इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारी प्रेसिडेंट है जिन्होंने स्वागत भाषण दिया हमारे अशोक जयसवाल जी उनका नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सब जितना भी आदमी आया है स्पेशली जो इनवाइट किया है सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये मेरा सेकेंड ईयर है, पिछले साल भी मैं आया था यहाँ। खास करके लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जयंती पर कोई खास कार्यक्रम हमारी प्रदेश में नहीं होता, ये बहुत दुख की बात है। देश में भी पहले नहीं होता, मोदी जी आने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहुत जो स्वाधीनता संग्राम और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश का विकास और गठन के लिए जो जो काम किया उसके सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मोदी जी का लीडरशिप में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन इस प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री जी का आज का जन्म जयंती तो 99% लोग को पता ही नहीं। ये हमारी दुख की बात है। जब राष्ट्रवादी सरकार यहाँ आएगा हम लोग शुरू करेगा करना चाहिए। आज का इस कार्यक्रम में मंच पर हमारी पार्षद विजय ओझा जी है, हमारा रामपुर का चेयरमैन, हमारा गरीबी, हमारा बहुत ही गरीबी नेता और सोशल वर्कर भी है, ट्रू राष्ट्रवादी है सागर जी भी है, हमारा अर्चना जी है, डॉक्टर प्रीतम भाई है और मंच पर जितना भी हमारा रिस्पेक्टेड और स्पेशल इन्वाइटीज है सबको मैं मेरा दिल से स्वागत करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का बारे में सब लोग को पता नहीं है लेकिन न्यू जेनरेशन खास करके युवा की एडुकेटेड पीपल के अंदर
नया पीढ़ी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी का जो योगदान रहा अब बिफोर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको लेकर चर्चा होना चाहिए। उन्होंने 17 साल में स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने 7.5 साल तक ब्रिटिश का जेल के अंदर उनको बिताना पड़ा। उन्होंने राष्ट्रवाद देश प्रेम उनका पहले से ही था। जो ब्रिटिश ओरिएंटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था उसमें उन्होंने पहले दाखिल किया था उनका पिताजी जिन्होंने पहले मुंशी था और उसका बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी की। मुगल सराय में उनका काशी हमारा बनारस के नजदीक है मुगल सराय में उसका ओरिजिनल रेसिडेंट है। उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ब्रिटिश का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन छोड़ के अपना बॉयहुड में चाइल्डहुड में उन्होंने हमारी जो संस्कृत विद्यालय है उसमें एजुकेशन भी लिया है। पहले से उन्होंने देशभक्ति और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मन बना लिया था इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के उनमें जो योगदान और उनका कारावरण हमारा देश की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में अभी भी पूरा के पूरा छाया हुआ है। लेकिन प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। मोदी जी आने का बाद कुछ रिकॉग्नाइज भारत सरकार ने करना चालू कर दिया। उन्होंने जब जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत होने का बाद देश का बागडोर उनको दिया गया है उसका बाद पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना और उनका ऊपर हमारा जो मिलिटरी ताकत है उसको देकर उन्होंने पाकिस्तान को पूरा बर्बाद कर दिया था। उनका एक ही नारा था जय जवान जय किसान। आर्मी को मजबूत बनाओ और देश का किसान को समृद्ध बनाओ। हमारे किसान उनको समृद्ध बनाओ। उसको बंगाल में खास करके एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा है। किसान का जमीन छीन रहा है। यहां लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा वो नारा बंगाल के लिए तो एप्रोप्रिएट है जय जवान जय किसान। हमारी जो बॉर्डर है बांग्लादेश से साटे हुई एरिया है 72 प्लेस है जहां बंगाल की सरकार बीएसएफ को जमीन भी नहीं दे रहा है। इसमें आप ही बंगाल में जो हम लोग राष्ट्रवादी है देशभक्त है अपने आप को सच्चा भारतीय मानता है उनको बंगाल को बचाना का साथ साथ देश को भी बचाना चाहिए। इतना रोहिंग्या घुसपैठिया घुस रहा है हमारी बंगाल में पूरा देश में एक सप्लाई लाइन बन गया है बंगाल। कुछ दिन पहले मैं झारखंड में गया था बोकारो सिंदरी सब एरिया में परिवर्तन यात्रा के लिए पार्टी मुझे भेजा था वह सब बंगाल के जाकर डेमोग्राफी भी चेंज कर रहा है। ये कोई कम्युनल बात नहीं है कोई पॉलिटिकल बात नहीं है कोई सेक्टरियल व्यूज नहीं है। ये बात है हमारी जल जमीन इसको रक्षा करने का बात है। पश्चिम बंगाल को बचाना उसकी साथ साथ देश को बचाना और इल्लीगल घुसपैठिया को रोक के देश को मजबूत करना जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नीति था उसको आगे ले जाने का काम
हम सब लोग को करना ही पड़ेगा। इसलिए आज जो श्रद्धा सुमन अर्पण का कार्यक्रम यहाँ कमल शंकर जी जयसवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने इस कार्यक्रम का व्यवस्था किया है, इसलिए मैं फिर एक बार उनको आभार प्रकट करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो वाणी है, जो काम करने का तरीका है, देशभक्ति है और देश को बनाना है, मजबूत करना है, उसको आगे ले जाने के लिए ये छोटा से छोटा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं भी उस पद पर चलने का मेरा अंगीकार का साथ मैं मेरा वाणी यही विराम करता हूं। भारत माता की। धन्यवाद।